आंटी बटर भी लगा दो। नहीं नहीं भाई बस ठीक है, मुझे अपना शौक पूरा करने दें। आंटी अम्मी जब भी बीमार होती थी तो मैं ऐसे ही उनका ख्याल रखती थी, आपका ख्याल रख रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है मेरी उदासी थोड़ी कम हो जाएगी कि मैं आखिरी वक्तों में उनके साथ नहीं थी। पिया बेटा इस तरह से उदास मत हुआ करो, तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ समझ सकती हो, मेरा दिल बहुत करता है तुम्हें इस तरह से उदास देखकर। तुम्हें पता है कहीं ना कहीं मुझे तुम में अपना आप दिखाई देता है, मेरे साथ भी यही कुछ किया था उस खानदान के लोगों ने, मेरी जिंदगी को बड़ी बड़ी बेदर्दी से खिलौना बनाकर रख दिया था। आंटी पुराने वक्त को याद करने से वो बदल तो नहीं जाता, आप इतना मत सोचें, पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये रोग तो बरसों से मेरे अंदर कुंडली जमाए बैठा है, मैं सोचूं ना सोचूं ये कहीं नहीं जाता। अच्छा खैर छोड़ो, वली को कुछ मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगा। आंटी मुझे तो पता ही नहीं था, उनका फोन आया तो मैंने उन्हें बता दिया, आई एम सो सॉरी। चलो अच्छा किया, इसी बहाने आ जाएगा वो, वरना महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाता। भैया वैसे तुमने उसे ये बताया कि उसकी वजह से मैं कितनी परेशान रहती हूँ? जी बिल्कुल बताया, और वो इसीलिए कह रहे थे कि शाम को आपसे मिलने आएंगे।